कौन गाओ सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग संभ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता है, कोई किसी को दुख नहीं देता है। जीवन में जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। ये भजन बड़े ही चुनिंदा शब्दों से बनके तैयार हुआ है और कहना है, विधवा गर सावन मैं रोए विधवा गर सावन मैं रोए सावन का कोई दोष नहीं जाते हैं
जगिया में वो अपने अपने किस्मत को आजकल का जमाना ऐसा हो गया गाने का सऊर है न बजाने का सऊर है न इसने ढोलक देखी है न उसने बाजा देखा है और गाना एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा अगर किसी भले आदमी ने कोई अच्छा भजन गा दिया तो पीछे पड़ जाते नहीं जानते वो भी गाने लगते विशेषकर लड़कियां ज्यादा उल्टा सीधा गाते क्यों गाना तो कठिन है गाना साहब कहता अगर गाना नहीं आता है तो ना गा गा ना इसलिए कहना है दो फूल खिले एक बगिया में वो अपने अपने किस्मत को दो फूल खिले एक बगिया में बगिया लेकिन फूलों का भी दुर्भाग्य होता है क्यों एक मंदिर पर एक अर्थी पर एक मंदिर पर एक अर्थी पर चार बच्चों का पालन पोषण कर देते लेकिन चार बच्चे मिलकर एक मां बाप का पालन पोषण नहीं कर पाते और विशेष बात हर घर में यही होती है कि हमें कम चाहते हैं फलाने को ज्यादा चाहते हैं छोटे भैया ज्यादा चाहते कोई कहते बड़े भाई को ज्यादा चाहते ये एक घर की बात नहीं हर घर का ये किस्सा हो गया क्यों ज्ञान नहीं माता पिता की नजर में कोई भेद नहीं होता लेकिन भगवान सभी को जन्म देते हैं अधिकार सभी को देते हैं बाबा तुलसीदास ने भी लिखा है कि एक पिता के विपुल कुम्हारा और पृथक पृथक गुणशील अचारा एक ही पिता की संतान है लेकिन कोई सुखी है कोई दुखी है इसमें माता पिता का दोष नहीं है गीत के माध्यम से सुनिएगा क्यों एक बाप की दो संतान भाई एक भूख मरे एक मौज करे एक भूख मरे कोई मौज करे आपने देखा होगा एक हीरो है रामपाल यादव ध्यान रखना लेकिन भाई उनका बहुत गरीब बहुत ऐसे प्रसंग देखे गरीब है गंभीर है क्यों एक भूखो मरे एक मौज करे बाबुल का कोई
अंग है, गीत की आखिरी लाइन है। गज सरिता को गंदा कर दे, सरिता का कोई दोष नहीं। सरिता माने नदी है, हाथी नदी में स्नान करने जाता है, नदी को गंदा कर देता है। गज सरिता को गंदा कर दे, सरिता का कोई दोष नहीं। सरिता का कोई दोष नहीं, सरिता का कोई दोष नहीं। गज सरिता को कभी कविता को नीरस कर दे, कभी कविता को नीरस कर दे, और कभी